एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फॉर जोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अ सेक्स फ्रेंड्स बॉर्डरलाइन का लास्ट चैप्टर सुनते हैं। वांगीबो जो है ना, जाओजन को लेके एक एम्यूजमेंट पार्क में आया है सारा दिन घुमाने के लिए, क्योंकि अभी जो इंटीमेसी नोन है तो वांगीबो सोचता है कि जो जाओजन का अभी जो मूड वोर्स हो रहा है मूड स्विंग्स की वजह से, उसको ब्राइटन करने के लिए कहीं बाहर ले चलते हैं, एक डेट्स पर ले चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वो डेट्स में नहीं गए हैं, पर जाओजन को पता ही वो क्लोलेस है इसके बारे में। तो जो भी है, अकॉर्डिंग टू जाओजन ये उनका फर्स्ट डेट होता है। तो वांगीबो बोलता है कि चलो कहीं बाहर चलते ना। तो जाओजन बोलता है कि ठीक है चलेंगे, हम एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। और वांगीबो इस चीज़ के लिए मान जाता है, बस इतना बोलता है कि कोई एक्सट्रीम राइड्स हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेबी का सेफ्टी के लिए है। और बोलते हैं कि जब बेबी से बाहर आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा ना, तो हम जो भी राइड बोलोगे हम वहाँ पर लेके चलेंगे, वर्ल्ड के जिस राइड में भी बोलोगे वहाँ पर लेके चलेंगे। अगर तुमको मन करता है कि सारे में जाना है तो सारे, मतलब एम्यूजमेंट पार्क वाले राइड्स में हम चलेंगे। पहले तो वो लोग धीरे धीरे जाते हैं एम्यूजमेंट पार्क में, हाथ में हाथ पकड़ के स्ट्रॉल कर रहे होते हैं, घूम कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे ना रोलर कोस्टर को छोड़ के वो लगभग सारी चीज़ें देखते हैं। जाओजन को बाकी सारी चीज़ें बोरिंग भी लगती है, क्योंकि उससे रोलर कोस्टर में ही जाने का मन करता है एक्चुअली में। पर वांगीबो ने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया होता है कि नहीं, उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो मतलब जाओजन बोर होकर थोड़ा आसपास देख रहा होता है, तभी उसकी नज़र में आती है हॉरर हाउस। और ये सोच के कि वांगीबो कितना डरता है हॉरर हाउस से, घोस्ट से, और डार्क चीज़ें जितनी चीज़ें होती ना डार्क चीज़ों से, तो जाओजन इंसिस्ट करते हैं कि मुझे जाना है जाना है। और वांगीबो एकदम मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, जाऊँगा वर्ल्ड के कोई भी चीज़ मांग लो, पर यहाँ पे नहीं प्लीज़। और जाओजन जो है ना अपना पाउटी फेस बना के ऐसे ही रिक्वेस्ट करते बोलते हैं प्लीज़। अब वांगीबो भी क्या करे, ड्रम स्टक हो जाता है, क्योंकि उसने इतना हिडन वेपन चलाया, एकदम क्यूट सा पाउटी फेस बना के बोला है। तो आखिर ना वांगीबो को भी मानना पड़ता है। और जाओजन को ऐसा नहीं कि जाओजन क्लूलेस है कि वांगीबो डरता है, जाओजन को पहले से ही पता है कि वांगीबो को मतलब बिल्कुल जो है ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वो बहुत डरता है ये, मतलब डार्कनेस से, भूत से, ये सबसे बहुत डरता है, क्योंकि उसने वांगीबो के सारे वीडियोज़ और डेबी से लेकर ना सारी चीज़ें देख ली हैं, तो उसे पता है। जाओजन होता है थोड़ा चिढ़ाने के लिए वांगीबो को ये करता है। वांगीबो भी लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है, और मतलब जाओजन उसको ड्रैग करके अपने लेके जाता है। जो हॉरर हाउस होता है ना, मतलब वहाँ पे चारों तरफ कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इन्हीं तरफ से ना एकदम पूरा आवाज़ गूंज रही है। जब वो लोग हॉरर हाउस को कंप्लीट करके निकल के आते हैं, तो दोनों का चेहरा ही देखने लायक होता है, दोनों ही डरे हुए होते हैं। दोनों को लग रहा होता है ना बस एक सांस ही बची है, अब कभी भी किसी मोमेंट में हार्ट अटैक आ जाएगा। और दोनों को लग रहा होता है ना उनकी बॉडी में ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो जाओजान के मतलब जो होता है ना, ये जो स्टेप होता है ये बहुत ही इंटेंस होता है, कि पहला ही घूमने गए और इतना डर गए कि अब मतलब हालत ख़राब हो रहा है। तो जो भी हो, बाद में वो लोग एक बेंच के पास बैठते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। पर जाओजान जो है ना वांगीबो को मतलब किस, मतलब आइसक्रीम खाते खाते इसके फेस में किस कर लेता है चिक में, और बोलता है ये वांगीबो कितना कूल है। तो वांगीबो जो है बोलता है तुम्हारा मतलब है कि डरपोक है। तो जाओजन फिर से उसके फेस में पकड़ता है और किस करके बोलता है कि नहीं मेरे बाबू जो है ना बहुत ही क्यूट है, बहुत ही कूल है, और आपसे ज़्यादा कूलर तो कोई है ही नहीं। उसने अपने मतलब लाइफ के सबसे बड़े फियर को इतना ग्रेटली फेस किया, मैं तो बहुत प्राउड हूँ। और वांगीबो हंसने लगता है, बोलता है अच्छा अच्छा मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे इतना ऑयलिंग कर रहे हो, उसका मतलब आपको फिर से करने का मन है ना। और इस बार जाओजन ना ही करके हंसता है, और वांगीबो के लिप्स में एक पिक करके पैक करके बोलता है कि लव यू। और वांगी भी जो है ना जाओजन का हेड पकड़ के प्रॉपरली अच्छे से किस करता है, और बोलता है कि बिल्कुल आई लव यू मोर। और जाओजन मतलब हंसने लगता है, और दोनों काफ़ी समय तक ऐसे कडल करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, और फिर जाके थोड़ा सा और आइसक्रीम खाते हैं। मतलब वांगी भी मना करता है कि इतना आइसक्रीम नहीं खाना है, पर जाओजन जो बोलता है नहीं खाना है, तो बोल के वो उठ के जाने लगते हैं खाने के लिए। और मतलब आजकल वांगीबो देख रहा है ना कि जानगा जो है वो आजकल ज़्यादा ही क्यूट और पाउटी फेस बनाता रहता है, और अपनी सारी बातें मनवा लेता है। वहाँ जाके जो होता है ना, जाओजान जो है सबसे बड़ा वाला कप का डिमांड करता है आइसक्रीम का, और जितने फ्लेवर्स उसको पसंद है सारे फ्लेवर्स उसमें डलवा डलवा देता है। वांगीबो को ना एक्चुअली आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है, पर जो भी हो अब जाओजान को पसंद है बोल के वो मान जाता है। और फिर मतलब आइसक्रीम का बकेट लेके जा रहे हो, तो देखते हैं कि जाओजन के सूलेस ना खुल गए हैं। तो जो होता है जाओजन उसको बकेट दे के बांधने ही वाला होता है ना, उससे पहले वांगीबो बैठता है, झुक के बैठ के जाओजन का सूलेस बांध देता है। और उसके बाद ना मतलब जाओजन को इतना पसंद तो है नहीं, तो जो भी है, तो वांगीबो जो ना एक स्कूप बस आइसक्रीम उठा के वांगीबो को दे देता है।
मतलब जो वांगी में इसका शोलेस बंदा होता ना, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा डिसेबल है और कुछ है, पर जो उसने केयर दिखाया होता ना, मतलब कोई भी अल्फा ऐसा बहुत ही कम किसी के लिए करता है। ये देख के ना वांगी वो जो है, वांगी वो का इतना केयर देख के ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होता ना मेसमराइज हो जाता है, और उनकी तरफ ना काफ़ी सारे लोग भी देख रहे होते हैं। जो भी हो ज़्यादा बोलते हैं नेवर माइंड, मतलब उसको तो अंदर से क्यूट फील हो रहा है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे जो एक्ट्स होते हैं ना, ये भी एक्ट ऑफ लव होते हैं। फिर वो सोच रहा था कि मतलब उसने मेरा जूता बांध दिया, तो उसके लिए बैड फीलिंग करने से अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक छोटे छोटे जो एक्ट्स होते हैं ना, केयर के जो एक्ट्स होते हैं ना, ये ही प्यार होता है, और ये गिव एंड टेक जो है ना, यही लव होता है। बल्कि ये सीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी दूसरा सीन दिखाता है, वहाँ पे एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा होता है, डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ होता है, और अपने छोटे छोटे पैरों को हिला हिला के जो खाना उसको दिया होता है वो खाना खा रहा होता है, और बोल रहा था थैंक यू पापा, और उसका जो पापा होता है ना वो ही बोलता है यू आर वेलकम बेबी, और मतलब अपने बेबी के चिक्स में किस करता है, ऐसे खींच के उसके बेबी के चिक्स में किस करता है, और बोल रहा होता है अपने मम्मी सोच रहा होता है कि मेरे बेबी के चिक्स जो है अपने डैडी से ही मिले हैं, कितने क्यूट से हैं। तभी कोई मतलब उस रूम में एंटर करता है और उनको विश करता है कि गुड मॉर्निंग मोस्ट ब्यूटीफुल बींग्स को, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन के इन द वर्ल्ड को गुड मॉर्निंग। जो बच्चा वहाँ बैठ के खा रहा होता है ना, वो जंप करके जाता है और मतलब अपने डैडी के गोद में चढ़ जाता है, बोलता है डैडी मैं आपको लास्ट नाइट आपका वेट कर रहा था पर मैं सो गया। तब उसके डैडी बोलते हैं कि डैडी बहुत लेट से आए हैं, मैं सॉरी मेरे प्यारे से सुअर को वेट करना पड़ा। मेरे प्यारे सुओ सुओ कैसे हो तुम, तो? वांग सुओ या सुअर जो भी बोलो है ना, वो वांगी बो और जावजन का बच्चा है, उसका नाम है वांग सुओ, और उसको प्यार से सुओ एयर बुलाते हैं हम लोग, मतलब वो लोग। फिर बता रहे होते हैं कि जो सुअर का जन्म हुआ था उससे मतलब पहले का जन्म के पहले और बाद के 2 साल जो थे ना काफ़ी हार्डशिप से भरे हुए थे, पर जो भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है कि वो साथ में है और खुश है। तो सुअर जो है ना अपना ऐसा हेड शेक करता है, बोलते हैं इट्स ओके डैडी आप यहाँ पे हो अभी इस टाइम में, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। तो उसके डैडी जो बोलते हैं ओ मेरे प्यारे से क्यूट से बच्चे, क्या तुमको नया सेट चाहिए, तो कंप्लीट करना होता है ना बात को, उससे पहले जावजन उसको बात को काट देता है, वो बोलते हैं वो स्टॉप इट करो, वो अपने चाइल्ड को इतना स्पॉइल मत करो, आओ यहाँ पे और ब्रेकफास्ट करो। तो वो जाके ब्रेकफास्ट निकालने लगता है, तभी जो वांगी पो है ना वो सुअर के कान में बोलता है कि चलो ठीक है पापा जाने के बाद ना मैं तुमको नया शॉट एक सेट का ट्राई खरीद दूंगा, ठीक है। सुअर उसकी बात को सुन के हंसने लगता है, और जावजन को भी पता होता है कि पीछे ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जो भी हो उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं है ना, उसके बाद जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, तो मतलब वो मतलब सुअर के साथ काफ़ी क्यूट सा जो है ना टाइम बिताते हैं है ना, और सुअर को सुओ जो है वंग सुओ उसको पता है कि उससे सब बहुत प्यार करते हैं, उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं, उसके अंकल उससे प्यार करते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं है ना। कभी कभी ऐसा है कि सुअर हमेशा खुश रहता है, कभी कभी जो है ना हमेशा मतलब खुशी के बावजूद भी कभी कोई दुख ज़रूर हो जाता है, पर उसके पापा ने उसे सिखाया है कि हमेशा बच्चों को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और उसे कभी लेजी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अपने काम करना है, उसे पता है कि मेट्स हैं वो उनका हेल्प करेंगे, फिर भी उसे बहुत सारी चीज़ें खुद ही करनी चाहिए, इसलिए ना अपने पापा का वो जो है ना ऑर्डर सब मानता है, पर अपने मन के अंदर ना कभी कभी वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे कि उसके पापा उसे बोलते हैं कि अपने जूते के लेस खुद बांधो, पर उसने देखा है कि उसके पापा का जूते के लेस उसके डैडी कभी कभी बांध देते हैं, फिर जो कभी कभी देखा है ना कि पापा जो होते हैं ना वो डैडी को अपनी गोद में उठा के भी बेड में लेके जाते हैं है ना, जबकि उसे बोलते हैं कि तुम बड़े बच्चे हो तुमको खुद अकेले सोना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना मतलब थोड़ा सा सुओ को कन्फ्यूज भी कर देती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बेबी ही है ना वो, और सबसे बड़ी बात है उसके पापा डैडी को ना खाना भी खिलाते हैं, और डैडी भी पापा को खाना खिलाते हैं, और जो पापा है ना डैडी के शू लेसेस तो बांधते भी हैं, और मतलब कभी कभी एक दूसरे के ना नेक टाइज भी बांधते हैं, वो दोनों एक दूसरे का इतना हेल्प करते हैं, पर सुअर को वो खुद ही बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट बनो। ऐसा नहीं है कि सुअर को वो लोग खाना नहीं खिलाते या केयर नहीं करते, वो भी कभी कभी सुअर को खाना खिलाते हैं, क्योंकि जो बेबी सुअर है वो अभी बच्चा ही तो है ना, वो भी तो प्यार चाहता है, तो इसलिए कभी कभी ना उसको डैडी जो है अपने गोद में बिठा के खाना खिलाते हैं, पापा भी कभी कभी उसको बैठा के खाना खिलाते हैं अपने हाथों से, जो भी है, इसलिए सुअर जो है कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है, पर उसे ये सब चीज़ें ना अच्छी भी लगती है, सब आती हैं, उसे केयर उसे लव जो है बिल्कुल अच्छे से ही फील होता है। अब जो बताते हैं कि जब वांगी और जावजन कपल बने थे तो उन्होंने एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया था और बताया भी था कि जावजन जो प्रेग्नेंट है, और मतलब इसमें ना मिक्स्ड रिएक्शन आए थे, क्योंकि
जो उनके सोलो फैंस थे ना वो डिवाइड हो गया था, उसमें से कोई वो सपोर्ट कर रहा था, कोई अपोज कर रहा था, पर जो उनके शिपर फैंस थे, जो भी स्पेशली गॉग और सुलिवियन के कलेब्रेशन के बाद उनके फैन बने थे, जो उनको शिप करते थे ना, जिनको बाद में टर्टल्स भी बोला गया, वो मतलब इतने खुश हो गए थे ना, वो बोलते थे कि हमको पहले से ही पता था। तो जो भी हो, वो जो उनकी जो अनाउंसमेंट है उसको काफ़ी वेलकम तरीके से लिया गया था, और मतलब थोड़ा बहुत जो अप्स एंड डाउन हुए थे वो मतलब उन लोगों ने एक मतलब अनाउंसमेंट वगैरह किया, तो होता है ना पब्लिक अपलोजी वगैरह किया, तो मतलब उसको जो है ना जो मीडिया का जो न्यूज़ है इतना काफ़ी बड़ा फैला नहीं, उसको मतलब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया गया है, और काफ़ी सारे लोग जो है ना उनको सपोर्ट भी करते हैं। और जाओजन ने उसके बाद डिसाइड किया था कि वो वांगीबो के घर में ही रहेगा, क्योंकि मतलब होता है ना सबको पता है कि वांगीबो का फियांसे है, तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी कर सकता है वांगीबो के घर में रह के। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम वो इस घर में मूव करता है, तो मतलब ऐसे घूमते घूमते ना अचानक से वो एक रूम में जाता है, वही लास्ट रूम में जाता है, और वहाँ पे वो एक रूम खोल के देखता है, तो वो वहाँ पे देख के ऐसे स्टंड हो जाता है, क्योंकि उस रूम में चारों तरफ जो जाओजान के पोस्टर्स थे, एल्बम्स की कॉपीज थे, है ना, और मतलब जितनी भी चीज़ें जाओजान ने अब तक की हैं, तो उसके सारे के ना तीन तीन कॉपीज थे, ऐसे भी एल्बम्स के कॉपीज थे ना जो जाओजान का मतलब अभी प्रोडक्शन बंद हो गया है बिल्कुल भी। में से एक पोस्टर वो देखता है जिसको ग्रीन कलर से साइन किया हुआ है, वो देख के वांगी मतलब वांगीबो का ये पोस्टर देख के ना जाओजान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कब ग्रीन कलर के पेन से साइन किया था, मैं तो जब से मेरे फैंडम का कलर रेड है मैं रेड कलर के पेन से ही साइन करता हूँ, तो क्या ये ग्रीन कलर का जो पोस्टर है जो वांगीबो के नाम से जाओजान ने साइन किया है, क्या वो जाओजान ने उसे रिक्वेस्ट किया था। हम ज़्यादा उसको देख के ना हंसने लगता है, बोलता है क्या मतलब चीज़ें हैं, कौन सोच सकते हैं कि द ग्रेट वांगीबो ऐसा काम कर सकते हैं, उन्होंने जाओजान का साइन किया हुआ एक पोस्टर को गोल्ड फ्रेम से एकदम इंट्रिकेट डिज़ाइन से रूबीज़ वगैरह पुट करके ऐसे साइन करके पोस्टर बना के रखा हुआ है, और वो हंसने लगता है इस चीज़ को देख के। अब वांगीबो जो है ना उसको मतलब थोड़ा सा बात को टाल देता है, वो इस बात में बोलना नहीं चाहता है कि उसे ये तो फ़र्क नहीं पड़ता कि जाओजान को पता चल गया, क्योंकि जाओजान तो अब उसका है जो भी है, पर वो मतलब इतना डीपली जाना नहीं चाहता कि जो भी है थोड़ा सा उसको भी शर्म आ रही होती है, शाही फील हो रहा होता है वो। पर अभी जो है ना मतलब वांगीबो भी इतना नहीं सोचते हैं कि जब से उसे पता चला है कि जाओजान भी उसे स्टॉक करता था, तो इसीलिए ना मतलब वांगीबो भी अभी ओपनली दिखा रहा होता है कि हाँ देखो मैं रखता था, मैं पहला कॉपी भी लेके आया हूँ, सेकेंड कॉपी भी लेके आया हूँ, लास्ट कॉपी भी लेके आया हूँ, मैं सारी चीज़ें रखता हूँ, तो वो सब सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। ये जो घर है ना, इस घर में ये जाओजन और वांगीबो की एक प्यारा सा क्यूट सा मेमोरी होता है इसमें, जब उनका फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। अभी प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट में जब जाओजन अपने शूटिंग से आता है, आके देखता है कि वांगीबो और वांगसियो जो है सो रहे हैं सोफा पे, एक दूसरे से एकदम स्नगल करके, और जो सुओ सुओ है, बेबी सुओ है, वो वांगीबो के मतलब हाथों में ही सो गया है। वो धीरे धीरे जाता है जाओजन और मतलब उसको थोड़ा सा पोक करके उठाता है, तो देखता है कि वो दोनों उठ ही नहीं रहे, पर वो सब जो हरकतें कर रहा होता है ना बेबी के, अपने चिक्स पुल कर रहा होता है, ऐसे बाल सहला रहा होता है ना, तब देखता है कि वांगीबो एक्चुअली उठ जाता है उसके थोड़ा हलचल से, और उठ के मतलब देखता है कि जाओजान सामने ही है उसके, तो उसके फोरहेड में किस करता है और बोलता है कि वेलकम होम, तो जाओजान आता है और वांगीबो को मतलब किस करता है, किस कर बोलता है नया नया खिलौना खरीद के लेके आ गया मैंने देखा, तो वांगीबो मतलब उठता है बोलता है कहाँ मैंने तो देखा नहीं, मतलब एक्टिंग करके दिखा रहा होता है। जाओजन हंसने लगता है स्टॉप इट, मुझे पता है तुम तो एक्टिंग नहीं कर पाते हो ऐसा, तो मैं पकड़ लिया हूँ जो भी है। फिर वांगी भी बोलते हैं अच्छा ठीक है पास आओ, मुझे अच्छे से तुमको किस करना है, तो जाओजन हंसता है बोलते हैं चुप करो तुम्हारा बेटा यहीं पे है, अभी चलो यहाँ से, तो वांगी भी बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी बेटे को अपनी जगह में रूम में सुला के आता हूँ, मैं बहुत जल्दी आता हूँ, तो जाओजान होता है वांगीबो के कान में विस्पर करके बोलते हैं कि ठीक है मैं शावर में तुम्हारा वेट करूँगा। अब सीन चेंज होता है, अब जो जाओजान बाथरूम में होता है, अब वो सेकंड टाइम ऑलरेडी उसने ऑर्गेज्म कर लिया है, और वांगीबो ना जो थॉरली अभी जाओजान के कॉक को और उसके ऐसा दोनों को एक साथ ही सक और लीक कर रहा होता है, और जाओजान ना पैंट कर रहा होता है, बोलते प्लीज़ हो गया ये वो आप जल्दी अंदर डालो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। वांगीबो जो है ना अभी भी जो कर रहा होता है माउथ से प्रेशर दे रहा होता है उससे रुकता नहीं, बोलता नहीं क्यों जाऊंगा, आपने कहा ना कि मुझे अच्छे से नहीं आता, तो मैं उसे अभी अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको। तभी जो है ना जाओजान चिल्लाते और बोलता है कि फकिंग हेल वांगीबो अभी बिल्कुल मेरे साथ करो, मैं अभी ये सब कुछ कोई चीज़ नहीं चाहता हूँ, मुझे मैग्नम वंग चाहिए। और मतलब जाओजान जो होता है ना वांगीबो को बोलता है कि अगर नहीं करोगे
तो मैं भी फेक डिल्डो लेके आ जाऊंगा, उससे मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर लूंगा। तुम क्या चाहते हो बोल के ना, वो वांगी बू को ऐसे स्टेयर करने लगता है गुस्से के मारे चिढ़ा के, और वांगी बू बोलता है अच्छा तुम डेयर करोगे, तुम्हें क्या मेरे लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, तुम अभी फेक चीज़ चाहिए तुमको। तो वांगी बू बोलता है फेक चीज़ चाहिए जाके आप डेयर करते हो। तो वांगी बू जो है ना मतलब अब वो गुस्से के मारे जो है ना मतलब अपने डार्क फेरोमोन्स छोड़ने लगता है, और जो जो डार्क फेरोमोन्स होते हैं या गुस्से वाला सेक्स जो वांगी बू करता है ना जाओ जान के साथ, वो जो है ना जाओ जान का किंक है। जाओ जान को पसंद है जब वांगी बू उसके साथ एंग्री सेक्स करता है, ठीक है। और ये डार्क फेरोमोन्स का थियरी कैसे आया था, जब एक बार ना कुछ एक टॉक्सिक सोलो फैन ने जाओजन को इतना परेशान कर दिया था कि उसको मतलब एक मिसकैरेज ही लगभग होने वाला था, तभी उसने जाओजन ने फर्स्ट टाइम देखा था कि वांग यू पे एकदम गुस्से के मारे हेल हो गया था और उसके बॉडी से ना डार्क फेरोमोन्स निकल रहे थे। जो था ना जाओजन को बहुत सेक्सी फील कर रहा था, बस अगर उस टाइम में अगर वांग यू का मतलब जो है ना फेरोमोन्स जो निकल रहा था, अगर जाओजन उस हालत में नहीं होता, मतलब उसका जो ऑलमोस्ट बोला ना मिसकैरेज होने वाला था, उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था, और मतलब अगर उसका और उसके बेबी का लाइफ अभी स्टेट में नहीं होता ना, तो जाओजन बोल रहा था कि मैं अभी वांग यू को वहीं पे बैक करने वाला था कि मुझे अभी ऐसे ही सेक्स करो मेरे साथ, उसको इतना हॉट फील रहा होता है। इसलिए जाओजन ना कितनी बार ऐसे करता है कि वांग यू को चिढ़ाएगा और उसके साथ मतलब गुस्सा दिला के उसको मजबूर करता है कि उसके साथ जो वांग यू जो है एंग्री सेक्स करे। और ये मतलब ना अब जो है ना जाओजन का एक फैंटेसी किंग बन चुका है। जो है ना वांगी को बोलता है कि जानगा अभी आप कितना भी जो कोशिश कर लो, कितना मैग्नम उसके बाद बोलो, मैं गुस्सा भले ही हो जाऊंगा पर ऐसे जो डार्क फेरोमोन्स मेरे नहीं निकलेंगे, जब तक आपका और बेबी का सेफ्टी का कोई बात नहीं आ जाए मैं डार्क फेरोमोन्स नहीं निकल सकता, मैंने देख लिया है ट्राई करके। तो जाओजन बोलते हैं अच्छा, और अगर मैं किसी और के साथ ऐसा ट्राई कर लूँ, अगर ये सचमुच का डिल्डो ना हो, कोई पर्सन हो सचमुच का, तो जाओजन अब सच में गुस्से में आ जाता है, क्रॉल करते हुए बोलता है तुम डेयर करते हो जाऊंगा। और जाओजन ना वांगीबो के इस डेयरिंग ग्रॉल को सुन के बोलता है कि ओ माय गॉड तुम फाइनली गुस्सा हो गए, तुम गुस्सा हो गया। तो वांगीबो जो ना अपने गुस्से को ठाल देता है, हंसने लगता है, बोलता थोड़ा सा हूँ, और फिर वो जो है ना जाओजन के कमर को जोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कितने क्यूट हो जाऊंगा। उसके बाद जो भी है जो जाओजन के साथ होता है ना, जाओजन सोचता है कि मतलब वो इंसिडेंट को कभी भूलेगा नहीं, और कभी भी इंटीमेसी के दौरान किसी और के साथ वो सोने वाला है ये बात तो बिल्कुल ही नहीं भूलेगा, क्योंकि जो उसके डार्क फेरोमोन्स और जो भी था उसने जो चीज़ फील किया उस दिन, वो उसके मतलब ना मेमोरी में डीपली एकदम एंग्रेव्ड हो गए हैं उस दिन ना, मतलब जो भी चीज़ काफ़ी समय बाद हुई वो जाओजन को बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था, कॉन्शियसनेस उसका खोने ही वाला था, क्योंकि डार्क फेरोमोन्स में और उस प्लेजर में जो इतना वो खो गया था, वो चीज़ें जो है ना मतलब काफ़ी इंटेंस थी। और अभी जो जाहुजान है ना जब याद करता है कि वो लोगों ने कितने अप्स एंड डाउन्स अपने स्टार्टिंग के मतलब जो होते हैं ना टुगेदरनेस में मतलब फील किया है, वो सोचता है ना कि मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स थे वो ना बोलती है, मतलब उन सब पेन को सहने के लिए वो बोलती है, क्योंकि वो साथ में है, टुगेदर है, उनका एक लंबा सा फ्यूचर है, उनका एक मतलब होता है ना बेबी, क्यूट सा बेबी है, उनका एक मैरिज है ना, और उनका मतलब होता है ना वाउस हैं एक दूसरे के साथ कि जब तक डेथ ना हो हम अपार्ट नहीं हो सकते हैं, और स्पेशली उनके आने वाले बेबी यूएर है जो भी बहुत जल्दी ही आने वाली है दुनिया में। और वो और भी ज़्यादा चीज़ें सोच के ना जाओजन और वांगी वो सेटिस्फाइड होते हैं कि जो भी है अप्स एंड डाउन जो भी हुए उनके लाइफ में, पर ये खुश है कि उनकी लाइफ में अभी ना मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको वो वर्थ इट है केयर करने के लिए, और स्पेशली जब आने वाले फ्यूचर में उनका ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, साथ में वो बूढ़े होंगे, उनके फेस में रिंकल्स होंगे, और वो सोच भी रहे होते कि नो मैटर वट जो भी वो लोग फेस करेंगे लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, वो सब वर्थ ही है क्योंकि वो साथ में हैं, दे आर टुगेदर। और भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो साथ में है, वो एक दूसरे के साथ हैं, दे हैव ईच अदर। तो एक दूसरे का साथ जो है ना जितना भी अप्स एंड डाउन्स है उसको मतलब फेस करने के लिए अनाफ है। जो भी हो ये फिक जो है यहीं पे एंड होता है। आप लोग बताना ये स्टोरी कैसे लगी आप लोगों को। ये स्टोरी में ना स्टोरी में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा हॉर्नी जो भी था वो स्मार्ट था वही था। आई होप आप सबको ठीक ही लगा हो ये स्टोरी, है ना।
और आगे जो है ना, मैं अभी ऐसे स्टोरीज लाऊंगी, पर मैं थोड़ा इमोशनल वाली स्टोरीज भी लाऊंगी, कि इमोशनल वाली स्टोरीज में थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी अच्छा लगता है। जो भी है, आप लोग को मुझे तो अच्छी लगी है स्टोरी, नो डाउट। तो आप लोग भी बताना कैसी लगी है, आप लोग को अच्छी लगती है, जेन्युइनली अच्छी लगती है, तो जाके राइटर को भी अप्रिशिएट करना और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरा क्या हो रहा है ना, अभी जो है ना, ये जो मोमेंट है ना, थोड़ा सा बिजी चल रहा है यार। मैं एक्चुअली थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ, और प्लेस हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा मतलब जो है ना, पूरा एकदम लाइफ जो है ना, अप एंड डाउन हो गया, क्योंकि एकदम बिजी चल रहा है मेरा। बहुत कुछ चीज़ें होते हैं ना, हमको इधर इस जगह से उस जगह शिफ्ट करनी पड़ रही हैं, तो एकदम टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोग मेरी आवाज़ से भी समझ रहे हो ना, एकदम टायर्ड रह रही हूँ मैं, तो उसके वजह से ना थोड़ा सा इतना एनर्जेटिक भी नहीं फील कर रही हूँ मैं खुद भी। तो जो भी है, ये स्टोरी मैं ख़त्म कर रही हूँ, और मैं बहुत जल्दी, मतलब होता है ना, मैं एक अच्छी स्टोरी लेके आऊँगी, जिसमें मैं भी थोड़ा एनर्जी के साथ मतलब एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना, और आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगे। तो आप लोग जो भी है, रहना मेरे साथ, है ना। ओके देन, बाय, टेक केयर।